हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कैरेमल केक, वो भी घर के इंग्रेडिएंट से बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। वो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो इसमें जितना देखने में डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होगा। तो जी, सबसे पहले हमने ले लिया है एक तवा, तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो उसके अंदर ऊपर मैंने डाल दिया है एक चम्मच देसी घी, और देसी घी डाल के उसके अंदर हमने ब्रेड रख देना है, और ब्रेड को अच्छे से उलट पलट कर लेना है। और ध्यान रखना कि ये ना बिल्कुल जले ना, अगर ये जल गया तो इसमें कड़वाहट आ सकती है। और यूँ कहो कि इसको ना लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, तो कुछ इस तरह से करना है। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँगी फ्रेंड्स किस तरह से ये करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा ब्रेड हमने डाल दिया है। तो इसी तरह से चारों ब्रेड को हमने सेक देना है, कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल भी जले नहीं है, बल्कि गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और देसी घी के अंदर तले हैं। देसी घी के अंदर टेस्ट आता है इसीलिए। तो अब क्या करना है, इन सबको हमने तोड़ के, अच्छे से तोड़ ताड़ के इसको हम मिक्सी के अंदर डाल देंगे। मिक्सी के अंदर डालने के बाद इसका कुछ इस तरह से हम पाउडर बना देंगे। तो फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको दिखा सकूं। तो ये देखिए, मैंने कर लिया है सारे ब्रेड्स को अच्छे से तोड़ दिया, और ये देखिए मैंने इसको कुछ इस तरह से पाउडर सा बना लिया है। तो आपने ये देखा होगा कि मैंने इसको तवे के ऊपर पहले इसलिए रोस्ट किया है ताकि ब्रेड अच्छे से सब जगह से पक जाए, क्योंकि हम इस तरह से क्रम बना के अगर ब्रेड कढ़ाई के अंदर फ्राई करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैंने कहा कुछ इजी हो जाए, तो इजी में तवे के ऊपर सेकना सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई के अंदर एक पर करछी भर के हमने चीनी ले ली है, और चीनी को ना अब मीडियम आँच के ऊपर अच्छे से इसको तब तक चलाना है जब तक कि इसकी चाशनी ना बन जाए। तो ये हो गया, हमारे कैरमल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मैं चलाती गई तो अच्छे से ये कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे, एक गिलास दूध डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने केक को कम और ज़्यादा कर सकते हो। फिलहाल मैंने चार ब्रेड के लिए बनाया है, आप अगर ज़्यादा बनाइएगा तो आपको दूध भी डबल डालना है। और यहाँ पे जैसे मैंने दूध डाला तो कुछ इस तरह से हमारी झाग बननी शुरू हो गई। तो हमने क्या करना है, अच्छे से चलाना है, और जब तक चलाना है जब तक कि झाग ऊपर की ख़त्म ना हो जाए और दूध थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और बहुत ही बढ़िया चॉकलेटी कलर आ गया है। तो इसके अंदर मैंने एक तो कलर का एक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल बहुत आसान आसान जो घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसी से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल दूध भी कम हो गया है थोड़ा सा, और अच्छे से ये बन भी गया है कुछ इस तरह से। अब क्या करना है, जो ब्रेड है ना, अब इसको सारे ब्रेड को इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, और ना इसको बढ़िया से मिलाना है आपको, इतने अच्छे से मिला देना। और जैसे जैसे आप इसको मिलाओगे ना, तो ये ना जो इसका जो ये है ना, ये एकदम बढ़िया से मिलता जाएगा, और ये जो दूध है ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल ही ब्रेड के अंदर बढ़िया से पी जाएगा। तो अब ये देखिए, मैं जैसे जैसे इसको चला रही हूँ, और आपको ना तब तक चलाना है जब तक कि आपको लगे कि इसके अंदर का सारा मॉइस्चर सूख गया है, तब तक आपको इसको चलाना है। तो यहाँ पे ना मैंने एक छोटी कटोरी मैंने इसके अंदर नारियल का बुरादा डाल दिया है। तो नारियल का जो पाउडर होता है ना, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो अगर आपको इस स्टेज के ऊपर आपको कुछ और भी अगर मिक्स करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको भी अच्छे से ग्राइंड करके डाल दीजिए, तो टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नारियल का बुरादा। तो अब मैं इसको अच्छे से फिर से चला देती हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो कि बिल्कुल बढ़िया सा सूख गया है, बहुत बढ़िया एक डो तैयार हो गया है। तो ये देखो, नाइफ से मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ही बढ़िया इसका डो तैयार हुआ है। तो अब क्या करना है, अब ना इसको एक प्लेट में डाल के ना 5 मिनट के लिए ना पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि ये ज़रा सा ना ठंडा हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि गर्म है बहुत, तो इसलिए अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
ये देखिए फ्रेंड, नीचे से चिपकना भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमारा केक बहुत बढ़िया से फ्राई हो गया है, बहुत ही बढ़िया से भून चुका है। तो लीजिए अब प्लेट के अंदर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने पहले कभी इस तरह का केक बनाया है? अगर बनाया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपको मेरा केक पसंद आ रहा है बनाया हुआ, तो इसके लिए भी आप मुझे बताइएगा। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आ रहा है तो मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, और बहुत ही इजी बता रही हूँ जो कि आप बिल्कुल बना लोगे। देखिए फ्रेंड, बाहर से केक लाइएगा कितने एक्सपेंसिस होते हैं, तो इसलिए आप घर पे बनाइएगा और अच्छा भी बनेगा, सस्ता भी बनेगा और डिलीशियस भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से इसके अंदर डाल दिया था एक, मैंने अब चौरस बनाया है, आप राउंड भी बना सकते हो। तो इसको अच्छे से प्रेस करके रखना है ताकि बहुत बढ़िया से ये एक शेप ले ले। तो जैसे कि आपने देखा कितना ही बढ़िया इसका शेप आ गया है और केक भी अच्छे से निकल गया है बाहर। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे हम, तो उसको ना हम थोड़ा सा काजू बादामी था मेरे पास, तो मैंने उसको अच्छे से पतला पतला काट लिया और ना मैंने इसके किनारे किनारे पर सारा ऐसे अच्छे से लगा दिया, और बीच में मैंने डाल दिया है नारियल का बुरादा, थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है। उससे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लुक वाइज भी बढ़िया लग रहा है और ड्राई फ्रूट भी अच्छा लग रहा है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, फिलहाल मैंने इसको कैरमेल नाम दिया है। तो यहाँ पे देखिए कितना ही बढ़िया बन के रेडी हो गया है। तो अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मैं मिलती हूँ कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।